आदिवासी विकासखंड लखनादौन के छात्रावास से 8 नवंबर को एक 12वीं कक्षा की छात्रा जो पैर से विकलांग भी बतलाई जा रही है, छात्रावास परिसर से निकलकर स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन क्लास ना जाकर कहीं गायब हो गई। सवाल ये उठता है कि छात्रावास का भृत्य छात्राओं को स्कूल ले जाया करता है तो बच्ची आखिरकार कहाँ गुम हो गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन बच्ची के स्कूल ना आने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर छात्रावास अधीक्षिका सुदामा धुर्वे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की बात कही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि आदिवासी विकास विभाग इस मामले में कोई कार्यवाही करने को इच्छुक दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत वर्ष से समूचे जिले से लगभग 7 से 8 नाबालिग बच्चियों की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। सवाल यही उठता है कि संगीन मामले में आदिवासी विभाग और पुलिस कोई कार्यवाही करेगा या फिर केस फाइलों में बंद होकर रह जाएगा। 8 तारीख से वो एब्सेंट जी जी, ऐसा पता चला है कि वो चली गई। अच्छा, तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से? 11 तारीख को। अच्छा, किसने बताया था? वहीं की भ्रत आई थी पता करने। कहाँ की? छात्रावास की। अच्छा, किस छात्रावास की भ्रत आई थी तो पूछ रही थी कि वो राजकुमारी आई क्या करते हैं, वो लोग भी पता कर रहे थे जी। तो फिर हमने कहा पूछवाया क्लास में क्लास टीचर से जी। तो उन्होंने बताया कि मैडम, क्लास टीचर ने बताया कि मैडम वो तो 8 तारीख को भी नहीं आई थी और आज भी नहीं। अच्छा, तो कौन से हॉस्टल में पढ़ती है? पीछे प्री मैट्रिक हॉस्टल से नहीं गई है वो, ऐसा है 8 तारीख स्कूल गई है और स्कूल से वापस नहीं आई, स्कूल से ही कहीं चली गई। अच्छा जी, तो फिर इसकी सूचना घर वालों को पुलिस को दी? दिए हमने सामने, शाम को जब लड़कियां आई हैं तब गिनती हुई तो वो नहीं थी जी। तब उनके माँ बाप को सूचना दिए जी कि तो नहीं ऐसी ऐसी बात हो गई आपकी लड़की नहीं आई घर तो नहीं पहुंची। तो उन लोग कहने लगे कि नहीं मैडम नहीं आई है। तो हमने कहा ढूंढ पता करो कि जल्दी बताओ आप, हम रिपोर्ट करेंगे। कहने लगे अभी मत करो, हम रिश्तेदारों को ढूंढ लें। तो वो 2 दिन तक ढूंढते रहे, फिर हमने फिर फ़ोन करके बुलाया कि भैया आओ मिली कि नहीं। तब 11 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज की, हमारे अधिकारियों को बताया। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि लड़की विकलांग है और किस कक्षा की? लड़की 12वीं की है जी, और हल्का सा मतलब एड़ी उठा के चलती है। किस गांव की, कौन सी गांव की रहने वाली है? वो मोची पठार की है। अच्छा, तो मैडम ऐसा संभव है कि हॉस्टल से कोई बच्ची स्कूल जाते समय गायब हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ भैया ऐसा। नहीं, क्या है क्योंकि हॉस्टल स्कूल का जो रजिस्टर उसमें अटेंडेंस नहीं है उसकी बच्ची की? नहीं, सुबह की है। नहीं है ना? आपके प्रिंसिपल जो कह रहे हैं स्कूल में नहीं है। हाँ। सुनो तो, स्कूल में नहीं, स्कूल गई और वहीं से वो सीधी प्रेयर के समय ही निकल गई है। अच्छा। अब कहाँ निकली, कितने समय निकली है ये नहीं मालूम। अच्छा। स्कूल में तो नहीं, हमने पता किए स्कूल में, स्कूल में नहीं है उसकी अटेंडेंस। घटना कब की है? घटना 8 तारीख की। और रिपोर्ट कब लिखाई? 11 तारीख।